तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के कैमरे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक होम अप्लायंस जिसका नाम है बजाज का एक गीज़र। दोस्तों यहाँ पर न्यू शक्ति नाम का एक मॉडल है जो कि आज हम अनबॉक्स करके आप लोगों को बताएंगे कि ये किस तरह का मॉडल है, किस तरह से ऑपरेट होता है, इंस्टॉलाइजेशन और कैसी सर्विस है बजाज की, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग। ये बड़ा सा पार्सल हमें अमेज़ॉन की तरफ से प्राप्त हुआ है जो कि हमने ऑर्डर किया था, जो कि 3 से 4 दिन में डिलीवरी आपको मिल जाती है। मुझे भी यहाँ पर 3 से 4 दिन में ये पैकेट अपने घर पर डिलीवर कर दिया गया है और आज हम इसे अनबॉक्स करके आप लोगों को बताने वाले हैं कि आखिर इस बॉक्स के अंदर किस तरह का वाटर हीटर या गीज़र मिलता है। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कितनी कीमत मिली है। तो यहाँ पर 5699 रुपये में हमें ये मिला है घर पर, फ्री डिलीवरी, नो एक्स्ट्रा चार्ज। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और सर्दियों में आपको गीज़र की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। चलिए यहाँ पर फीचर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर टाइटेनियम आर्मर टेक्नोलॉजीज के बाद ही स्विल फ्लो टेक्नोलॉजी जो कि पानी को बराबर तरीके से गर्म करता जाए और सभी तरफ से तापमान को मेंटेन करें, इस तरह से। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्टेबल फॉर द हाई राइज बिल्डिंग्स है, ऊंची बिल्डिंग्स में आसानी से काम में लिया जा सके, इसके साथ ही मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम यहाँ पर दे रखे हैं और 15 लीटर का ये कैपेसिटी है। इसके साथ ही 5 साल की आपको वारंटी मिलती है ऑन इनर टैंक यानी टैंक की और 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है बजाज न्यू शक्ति जो कि ग्लेसलैंड्स यहाँ पर नाम दे रखा है। इसके साथ ही यहाँ पर फीचर्स दे रखे हैं बहुत सारे जो कि बॉक्स के साइड में लिखे हुए हैं। इसकी जो खूबियाँ हैं इसके बारे में अगर MRP की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8945 की MRP है और मुझे मिला है 5600 समथिंग रुपीज़ में, तो काफ़ी अच्छा चीप प्राइस में पड़ा है और हो सकता है किसी भी सेल के ख़त्म हो जाने के बाद इसकी प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पर विश्वस्तरीय खूबियों के बारे में दे रखा है। इसके साथ ही कन्वीनियंट प्लस जो छोटा आकार है, पानी के तापमान को सेटिंग में समायोजित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में दे रखी है। इसके साथ ही यहाँ पर फ्री इंस्टॉलाइजेशन आपको मिलता है जो कि कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं तो आप वहाँ से जो इंजीनियर आके आपके घर पर इसे फिट करके जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को और बताऊँगा कि इसमें कुछ चीज़ें जो कि हमें खुद लगवानी पड़ती है वो भी मैं खुद खरीद कर लाया और वो चीज़ें यहाँ पर फिट करवाई और इस बॉक्स को खोलकर आपको बता देते हैं कि इसके अंदर किस तरह का जो गीज़र है वो है। तो खोलते हैं यहाँ पर। तो ऊपर की तरफ खोलने पर यहाँ पर आपको पेपर वर्क मिलता है जिसके अंदर एक वारंटी कार्ड मिलता है और एक मिलता है आपको अंदर का यूज़र गाइड मैनुअल जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर देख रखा है उपयोग एवं देखभाल इंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ पर सारी चीज़ें इस कागज़ के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें डिटेल्ड है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इसमें वारंटी कार्ड आप लोगों को मिल जाता है अंदर की साइड में। यहाँ पर खोल के देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक होलोग्राम मिलता है और बीच में सारी डिटेल्स दे रखी हैं। पीछे की तरफ आपको 5 ईयर वारंटी का यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि इनर टैंकी है, बारकोड मिलता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर मेन प्रोडक्ट की तो इस तरह से पैकिंग में आता है ऊपर से ताकि ये डैमेज ना हो और यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं जैसे कि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट कलर की पाइप है। इसके साथ ही इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो वॉल्व आप देख रहे हैं एक तरह का टूल है जो कि सेफ्टी टूल है। यहाँ पर जो आर्मर सेफ्टी की जो बात की जाती है वो एक्चुअल में यही है और ये टैंक के एक नोज़ल के अंदर लगेगा और इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। आप घर पर ट्राई ना करें इंस्टॉलाइजेशन क्योंकि ये ख़राब हो सकता है,
इसके जो प्रॉपर इंजीनियर आकर ही इंस्टॉलाइजेशन होगा तो आप अच्छे से इसे प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे और कोई डैमेज की आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह का ये जो सेफ्टी वॉल्व है वो यहाँ पर गीज़र के अंदर लगने वाला है और इसे हम रख देते हैं। और अंदर के जो भी प्रोडक्ट के अंदर जो भी अलग अलग चीज़ें मिल रही है उसके बारे में और आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे हटा लेते हैं और अंदर से इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। बजाज का यह गीज़र काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ में काफ़ी अच्छे कलर में यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर यह इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, बिफोर यूज़ इंश्योर दैट द फीड द सेफ्टी वॉल्व एट द इंसल्ट। तो इस के अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये इसके अंदर इंस्टॉल होगा। तो एक्चुअल में क्या है कि ये आप लोगों को इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि जब आपको फ्री इंस्टॉलाइजेशन कंपनी की तरफ दिया जा रहा है तो आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। यहाँ पर खोल देते हैं हम इसे और बताते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। सबसे पहले नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सावधानियाँ दे रखी है जो कि आपको फॉलो करनी है, क्योंकि इन्हें फॉलो करेंगे तो आप किसी भी रिस्क से बच पाएंगे। इसके साथ ही बारकोड दे रखा है और यहाँ पर होलोग्राम भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन वार्निंग दे रखी है, इस वार्निंग का मतलब यही है कि जो आपको शुरुआत में खोलकर हमने जो वॉल्व दिखाया था वो यहाँ पर फिट होगा इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पर जो वायर मिलती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती है जो कि फायर प्रूफ है, और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं आपके जो 16 एम्पियर का जो 3 पिन है, 3 पिन टॉप, वो यहाँ पर लगने वाला है। बात करते हैं दूसरे फीचर्स की, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें जो रेटिंग है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पर 4 स्टार की रेटिंग है और उस रेटिंग के अंदर जो एनर्जी सेविंग है उसके बारे में बताया है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि मोर स्टार मोर सेविंग्स, पावर सेविंग गाइड यहाँ पर दे रखी है और कितना क्या वोल्टेज खींचती है इसके बारे में इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक मीटर दिखाई देगा जो कि हीटिंग का इंडिकेशन है, और ये काफ़ी अच्छा फीचर है ताकि आप जान पाओगे कि इसके अंदर कितनी हीटिंग है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रिंटेड जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आता है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और वाइट कलर में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके साथ ही यहाँ पर टेम्परेचर जब भी आपकी गर्म होगा तो ये इंडिकेशन बता देगा। बैक साइड में यहाँ पर हैंगर्स है और नीचे की तरफ एक सपोर्ट है जो कि दीवार को सहारा देने में काम आएगा। यहाँ पर अगर इसकी लंबाई देखें तो कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, ऊंचाई देखें तो इसकी कोई ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, और किसी भी छोटे बाथरूम में भी यह आसानी से सेट होने जैसी साइज़ है। 15 लीटर मीडियम साइज़ है, इससे ऊपर का 25 लीटर आता है और इससे नीचे का 5 लीटर भी आता है। तो हमने ये ऑर्डर किया था 15 लीटर का क्योंकि ये काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि घर में अगर 5 से ज़्यादा मेंबर है तो आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पर पावर के साथ साथ यहाँ पर इंडिकेशन दे रखे हैं हीटिंग के, हीटिंग चालू है, हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके साथ ऑन ऑफ और जो हीटिंग का बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को एक बटन दे रखा है जो कि वाइट कलर में है, जिसे आप ऊपर ही घुमा कर उसकी हीटिंग को तेज कर सकते हैं या हीटिंग को कम कर सकते हैं। तो जैसे आप उसको हाईएस्ट पर रखेंगे तो पानी आपका जल्दी गर्म होने वाला है। तो ये थी सारी जानकारी, आप लोगों को ये गीज़र कैसा लगा ज़रूर बताइए। बजाज की सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों, मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, ग्रेट इंडियन फेस्टिव सीज़न सेल चल रही थी और इसके अंदर मैंने इसे डिस्काउंट के साथ में ख़रीदा, जो कि आपने देखा कि ये मुझे 5,600 रुपये के समथिंग में मिला है, और हो सकता है इसकी प्राइस में डिफरेंस आ सकता है अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं और इसका एक्सपीरियंस
आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको इसका रिव्यू सही लगा हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाकर इसे खरीद सकते हैं। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप फटाफट मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।